हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए सुपर न्यूज़ का नया सेशन, जिसमें कि आपको टाइम टू टाइम जानने को मिलती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए फिर बिना ज़्यादा समय गवाए शुरुआत करते हैं सुपर न्यूज़ के इस सेशन की। फर्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डीसी फैंस के लिए एक्वामैन के डायरेक्टर जेम्स वॉन की तरफ से आ रही है। अभी कुछ घंटे पहले ही जेम्स वॉन ने एक्वामैन मूवी, जिसकी 2018 में शेड्यूल रिलीज है, के एक करेक्टर मीरा का लुक ऑफिशियली रिवील कर दिया अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि मीरा कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मीरा को कॉमिक्स में क्वीन ऑफ सी माना जाता है और ये एक्वामैन की वाइफ है। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्वामैन की ही तरह काफी ज्यादा पावरफुल भी है। लगता है डीसी ने भी मार्वल की तरह फैंस को अमेज करने के लिए अपनी कमर कस ली है। एनीवेज, दूसरी न्यूज़ दोस्तों स्पाइडरमैन के फैंस, या प्रिसाइसली बोलूं तो स्पाइडरमैन के फेवरेट सुपर विलन वेनम के फैंस के लिए आ रही है। एक्चुअली दोस्तों, सोनी काफी टाइम से अपनी अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी पे स्पिन ऑफ वेनम मूवी बनाना चाहता था, और अब उसके लिए माय फेवरेट वॉरियर एक्टर टॉम हार्डी को सोनी ने साइन कर लिया। ये मूवी वैसे तो अक्टूबर 2018 में रिलीज होनी थी, पर शायद 6-7 मंथ्स के लिए स्क्रिप्ट री राइटिंग की वजह से डिले हो सकती है। इसके बाद अगली न्यूज़ दोस्तों एंटमैन मूवी के सीक्वल की है। इस मूवी का नाम शायद एंटमैन एंड वास्प रखा जाएगा। इस मूवी की रिलीज डेट दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद शेड्यूल की गई है। मार्वल दोस्तों ज्यादातर अपना शेड्यूल और मंथ ऑफ रिलीज फिक्स ही रखता है, तो अगर देखा जाए कि एंटमैन मूवी 2015 में जुलाई मंथ में रिलीज हुई थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के रिलीज होने के लगभग 2 महीने बाद, तो अगर हम ऐसे ही अनुमान लगाएं तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की रिलीज डेट मई 2018 की है, तो एंटमैन एंड वास्प दोस्तों जुलाई मंथ में रिलीज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट भी दोस्तों एंटमैन के फैंस के लिए ही है। एंटमैन एंड वास्प मूवी के लिए मार्वल ने मीडिया को हाल ही में एक इवेंट में बुलाया था, जिसमें कि मूवी के कुछ कंसेप्ट आर्ट्स डिस्प्ले किए गए थे, जैसे कि कैसे एंटमैन एक टूटे हुए ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए अपने साइज को बड़ा करके जेंटमैन बन जाता है। तो हो सकता है दोस्तों कि ऐसा कोई सीन हमें एंटमैन के सीक्वल में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्वल स्टूडियो ऐसी चीजों में हमेशा से काफी क्रिएटिव रहा है। एनीवेज, तो अभी के लिए सुपर न्यूज़ के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल के सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक या टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही एक्साइटिंग न्यूज़ फ्यूचर में भी मैं आप सभी सुपर फैंस के लिए लाता रहूंगा। अभी के लिए चाहूंगा आप सभी से इजाजत। प्लीज़।